तो आ गए फिर से। तो स्कूल्स एक ऐसी जगह जहाँ पे जाके तुम भूल जाओ कि तुम्हारे शरीर पर तुम्हारा जरा सा भी हक है, ये लोग तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। अरे येरा मिल गया आ जाओ। बेटा तुम्हारे नाखून इतने बड़े क्यों हो रहे? अरे तो काटो ना, देरी क्यों कर रहे हो? तो स्कूल प्रेयर में ज्यादातर लोग सिर्फ मुंह ही हिलाते हैं, लेकिन उनमें से भी कुछ लेजेंडरी लोग होते हैं जो कि मुंह भी ठीक से नहीं हिला पाते हैं। मेरी तरह हमारे स्कूल में आए दिन टीचर्स की मीटिंगें होती रहती थी, पता नहीं क्या करते थे ये लोग अंदर। तो ये जो भोली सूरत देख रहे हो, ये वो दरिंदा, इसी ने अभी तक फीस नहीं भरी है और इसकी वजह से हमारे आज खाने के लाले पड़ रहे हैं। अच्छा ये बच्चे की बात कर रहे क्या? हाँ हाँ यही। अरे लेटाओ इसको। अरे किडनी निकालो, इसकी किडनी। हाँ निकाल रहा इसकी किडनियाँ निकाल के फीस वसूली करते हैं। अरे उसके मुंह में कहाँ ढूंढ रहे हो? अरे यहाँ पे नहीं होती किडनी। अरे मेरे को मालूम है, निकाल रहा ये री। अरे ये उसका दिल है, मार डाला उस बेचारे को। चलो बढ़िया, आप तो पूरा शरीर बेच खाएंगे इसका। ये स्कूल वाले तुमसे मेहनत के नाम पे कुछ भी करवा रहे हैं। हम लोग जब छोटे थे ना, तो हमारे स्कूल वाले हमको बस में घुसड़ घुसड़ के मार्केट ले जाते थे और वहाँ मार्केट में हमसे ये हरकत करवाते थे। बंद करो। अरे वाह यार बेटा, तुम तो नशा मुक्ति बंद करा रहे हो, बढ़िया। पूरे 2 घंटे ये करने के बाद हमको रियलाइज हुआ कि हम लोग तो बोल ही गलत रहे थे, हम लोग नशा मुक्ति ही बंद करा रहे थे। का मतलब कि मैम, हम लोग 2 घंटे से नशा करने का बोल रहे हैं। और तो और हम लोग ये इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे कि कई सारे लोग तो चालू भी हो गए थे। सही बात, बंद कर दो नशा मुक्ति। तो जैसा कि तुम लोगों को पता ही है कि मैं शुरुआत से ही काफी ब्रिलियंट और एक्टिव स्टूडेंट रहा हूँ, इसलिए मुझे हर बार मेरी क्लास का सम्मानित नील चेक मॉनिटर बनाया जाता था। काफी इंटरेस्टिंग काम होता है ये, इसके अंदर तुमको हर बच्चे की प्लेस पे जाके उसके नेल्स चेक करना पड़ते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। छगन क्या है ये? अरे भाई वो क्या कान साफ करना रहते ना यार, ये बात तो मैम को बतानी पड़ेगी। का है नहीं, मेरे नेल्स ही नहीं है, मेरी तो उंगलियां भी नहीं है देख। वेरी इंटरेस्टिंग। हमारे स्कूल के टीचर्स जो थे ना, वो बहुत ही चालू टाइप के थे। तो बच्चों कौन बनेगा इस बार क्लास मॉनिटर? मैम। तो डिसाइड हो चुका है कि इस बार का क्लास मॉनिटर कौन बनेगा? इस बार का क्लास मॉनिटर है ओह माय गॉड हार्डी। पूरी क्लास ने हाथ खड़ा कर रखा था, मैं एक चुपचाप अपनी बेंच के नीचे अपना मुंह छुपा के बैठा हूँ, फिर भी मुझे क्लास मॉनिटर बनाया गया है। नहीं क्या ये क्या बदतमीजी है, किस तरह की बदतमीजी है ये? अरे सुनो, मैं कुछ बेचने आया था, लेकिन यहाँ पे ये सब अलाउड? जी हाँ, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वंडर शेयर डेमो क्रिएटर के बारे में। इसको आप फटाफट जाके डाउनलोड कीजिए, आपको जिंदगी में मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। सब हो गया पैसे। हाँ तो अगर तुम लोग भी मेरी तरह यूट्यूबर बनना चाहते हो बेरोजगार, तो ये तुम्हारे लिए बहुत काम की चीज है। यहाँ पर तुम लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग से लेकर लाइव स्ट्रीमिंग तक कुछ भी कर सकते हो। और तो और तुमको यहाँ पर ढेर सारे इंटरेस्टिंग ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, जैसे कि एनोटेशन, मतलब कि चलती रिकॉर्डिंग में तुम लोग हरकतें कर सकते हो। गाइस मेरा नाम है हार्डी, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन, मतलब कि री प्लस प्रोडक्शन इक्वल टू रिप्रोडक्शन। गाइस आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ ही गया होगा। लाइक कर दो। तो अगर तुम लोग भी इस दरिंदे की तरह अपना फेस नहीं दिखाना चाहते हो वीडियोस में, तो इसका भी सॉल्यूशन है 3D वर्चुअल अवतार। तुमको बस अपना कैमरा चालू करना है, दैट्स इट। अब तुम जैसे जैसे हिलाओगे ये भी हिलाएगा अपना मुंह, मतलब कि इसके अंदर ऑटोमेटिक बॉडी मूवमेंट और लिप सिंक हो जाएगा। सो चेक आउट डेमो क्रिएटर, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो हमारे स्कूल के टीचर्स की कुछ अलग ही फैटिशे थी। एक खड़ूस सर थे हमारे स्कूल में, पता नहीं कैसे पर इन सर को बोर्ड रफ करवा के जिंदगी के सारे मजे मिल जाते थे। कितना सुंदर है यार। अरे हाँ ठीक से करो बोर्ड रफ। हाँ नहीं क्या मजे आ रहे तुमको ये देख के। एक बात और, हमारी क्लास की गर्ल्स बहुत ही दयालु थी। उन सर के बर्थडे पे इन लोगों ने पूरे 2 पीरियड लगा के बोर्ड की सजावट करी थी। ये लोग उस खड़ूस को सरप्राइज देना चाहते थे। ये देख के सर कितने हैप्पी हो जाएंगे ना, मेरे को तो सोच सोच के हंसी आ रही है।
बिल्कुल देखने लायक होगा उनका रिएक्शन। और जैसे ही वो खड़ूस सर क्लास में एंटर किए, पूरी क्लास खड़े होके हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, मैं लॉन्ग लाइफी। बस हो गया तुम सबके नाटक खत्म, अब चुपचाप बैठ जाओ और कॉपियां निकाल लो। और ये सबसे पहले बोर्ड रफ करो, या रंगोली कंपटीशन नहीं चल रहा है? सर ने वो बोर्ड ठीक से देखा तक नहीं, वो रात 2 बजे तक हंसा। सर कितने हैप्पी हो जाएंगे ना। वैसे बचपन से ही मैं काफी वफादार स्टूडेंट रहा हूँ, पता नहीं क्यों मुझे समाज सेवा का बहुत शौक था, तो मैं अपनी क्लास में बिल्कुल आराम से बैठा हुआ हूँ, किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन उधर तो लड़कियों के पास बेंच नहीं है, इसलिए मेरे अंदर का समाज सेवक जाग उठा और अरे तुम लोग आराम करो, मैं लेके आता हूँ बेंच। तो मैं बिना कुछ सोचे समझे दौड़ दौड़ के ग्राउंड फ्लोर पे गया और वहाँ से बेंच उठा के लाया, जबकि वो बेंच मेरी थी भी नहीं। समाज सेवा। अरे, और जैसे ही मैं ऊपर अपनी क्लास में पहुँचा, ये कहाँ से लाए तुम? ये पास वाली क्लास में से, वही से ही तो लानी थी। मैं हाँ, बहुत खतरों के खिलाड़ी बनना है ना इनको। नीचे ग्राउंड फ्लोर से बेंच उठा के ला रहे, इतना ही मजदूरी करने का शौक चढ़ रहा है तो फिर वो मानसिंह भैया के साथ लग जाओ काम पे। तो मेरी कुछ ऐसी हरकतों की वजह से मैम को रियलाइज हो चुका था कि मैम ने मुझे क्लास मॉनिटर बना के जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है, इसलिए मैम ने मुझे क्लास मॉनिटर के पद से लात मार के निकाल दिया और फिर मुझे बनाया गया डस्टर मॉनिटर। ये भी काफी रिस्पेक्टेड काम होता है, जिसमें तुम्हें छुट्टी होने के बाद अपनी क्लास का डस्टर सही सलामत घर ले जाना रहता है और अगले दिन उसी डस्टर को वापस से सही सलामत क्लास रूम में लाना रहता है। सिंपल। तो मैं डस्टर घर पे ले गया सही सलामत और एक हफ्ते की छुट्टी मनाने चला गया। बेचारे उन लोगों ने हफ्ते भर तक कागज से बोर्ड रफ किया था। और फिर जब मैं एक हफ्ते बाद स्कूल गया, उड़े उड़े आसमान में खाबों के वरिंदे, अरे मैं ये लो डस्टर। अरे वाह बेटा, थैंक यू मैम, धोके लेना इसको। फिर मैं वो डस्टर को वॉशरूम में ले गया धोने के लिए और मैंने पूरी शिद्दत से धोया, इसीलिए उस डस्टर के आगे की गद्दी निकल गई। फिर वो खाली लकड़ी का टुकड़ा लेके गया मैं मैम के पास हंसते हुए, मैम ये लो डस्टर सही सलामत। ओके, तो दी एंड हो चुका है। तो मैंने एक बहुत ही सीरियस चीज नोटिस करी कि तुम में से 74% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है। नहीं, मैं वीडियो बना क्यों रहा हूँ फिर? टूटा हुआ साज हूँ मैं खुद से ही नाराज हूँ। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हम लोग 1 मिलियन सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा ही करीब है। और हाँ, हमारा एक डिस्कॉर्ड सर्वर भी है जहाँ पर हम इंटरेक्शन करते रहते हैं, तो तुम जाओ और उसको भी ज्वाइन करो यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हाँ, मेरा चैनल मरने की कगार पे आ चुका है, तो फटाफट से जाकर उसको भी सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे मेरे, वीडियो डालनी पड़ती उसके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।